नमस्कार, मैं इंदू रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान सरकार सख्त हिजाब कानून का उल्लंघन करने वाली महिलाओं का मनोचिकित्सकों से इलाज करा रही है, साथ ही कानून तोड़ने वाली महिलाओं से मुर्दा घर में शवों की सफाई कराने की सजा दी जा रही है। न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सरकार हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं पर पहले से ज्यादा सख्ती बरत रही है, जिससे हिजाब कानून का उल्लंघन करने वाली महिलाओं पर लगाम लगाया जा सके। हाल ही में ईरानी अभिनेत्री अफसाने बेगन को हिजाब नहीं पहनने के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में उन्हें हर हफ्ते मनोचिकित्सक के पास काउंसलिंग के लिए जाने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में तेहरान की अदालत ने एक महिला को महीने भर के लिए मुर्दा घर में शवों की सफाई करने की सजा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महिला ने सख्त हिजाब कानून का उल्लंघन किया था, जब वो बिना हिजाब के गाड़ी चलाते हुए पकड़ी गई थी। ईरान में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अजादे कियान ने कहा कि बेगन को जो सजा दी गई थी वो एक उदाहरण है, वो एक एग्जाम्पल है। सरकार महिलाओं के अंदर कानून का खौफ पैदा करना चाहती है। ऐसे में सरकार महिलाओं को अपने बाल ढकने के लिए बाध्य करने के लिए नए नए तरीके आजमा रही है। महिलाओं से जुड़े मामलों ने जजों के फैसले पर कई सामाजिक संगठनों ने हैरानी जताई है। ईरान में 4 मानसिक स्वास्थ्य संगठनों के अध्यक्ष घोलम हुसैन मोहसेनी इजई ने देश की न्यायपालिका के प्रमुख को एक पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान मनोचिकित्सकों की जिम्मेदारी है, न्यायाधीशों की नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अधिकारी सख्त हिजाब कानून का उल्लंघन करने वाली महिलाओं पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं। अगर महिलाएं बिना हिजाब के गाड़ी चलाती दिख रही हैं तो उनके वाहन जब्त किए जा रहे हैं। महिलाओं को नौकरी से निकालने का दबाव बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को अस्पताल में इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।